नागर और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। मेष राशि वालों, आज के भौतिक युग में प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा और उत्सुकता रहती है कि मैं किसी प्रकार धनवान बन जाऊं, मुझे प्यार, संसार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो, प्रिय का साथ मिले, कामयाबी मिले। इस भौतिक जगत में इंसान चाहे किसी भी जाति, धर्म व संप्रदाय का क्यों न हो, धनी बनने की इच्छा उनके दिल में प्रतिपल विद्यमान रहती है और यही इच्छाओं को साकार करने के लिए अक्टूबर महीना नई संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी और सत्ता पद नौकरी प्रदान करने वाले स्वयं सूर्य ग्रह 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आपके जय भाव में स्थापित रहेंगे। तो 17 अक्टूबर से आपके दैनिक व्यवसाय के भाव में आपके खुद के धन के भाव के स्वामी शुक्र ग्रह के साथ युति करने जा रहे हैं और वहां पर केतु की भी उपस्थिति अप्रत्याशित लाभ की ओर इशारा कर रही है। विदेश भाव में पूरे महीने गुरु की उपस्थिति, धन भाव में मंगल की उपस्थिति आपके करियर और जीवन में 4 चांद लगाने जा रही है, जिसके ही कारण आपके करियर पद प्रतिष्ठा रूपी ब्रह्मास्त्र को अब कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, मैंने 29 अगस्त शुक्र के राशि परिवर्तन की वीडियो में बड़ी भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था राजनीति, सत्ता, स्पोर्ट एवं फिल्म उद्योग में बड़े परिवर्तन की परिस्थिति बनेगी। शेयर बाजार की चमक आसमानों को छूलेगी। देश में आर्थिक सुधार होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि भारत ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आ गया है और मेरी यह भविष्यवाणी भी 100% सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि फल अक्टूबर 2022 इन हिंदी। अक्टूबर 2022 मेष राशि फल के अनुसार महीने की शुरुआत आपकी कई सारी गतिविधियों के विस्तार के दायरे के साथ प्रारंभ होगी। नौकरी में अपनी क्षमताओं का विकास, समाज सेवा व राजनीति में अपनी क्षमताओं को सहनशीलता और मदद करने की इच्छा में बढ़ोतरी, व्यापार में व्यवसायिक प्रगति और काम करने की प्रबल इच्छा एवं व्यक्तिगत समीकरणों में बदलाव होने जा रहे है, जिसके ही कारण पूरे अक्टूबर महीने में अपने उपक्रम में उन्नति की डग भरने के दौरान आपको प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। शत्रुता तथा विवादास्पद परिस्थितियों की उलझन पूर्ण होगी। तो पूरे महीने के दौरान आपका ऊर्जा स्तर भी बहुत उच्च होगा और आप सफलता के सभी बिंदुओं पर निशाना साधेंगे, जिसके ही कारण आप व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए सारी सीमाओं को तोड़ देंगे और यह चीजें आसानी से प्राप्त भी होगी। 1 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच जहां साझेदारी कायम होने की प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं, जिससे व्यवसाय प्रगति की ओर काम करने की प्रबल इच्छा जागरूक होगी। आप जोखिम भरे कार्यों का आनंद उठाएंगे और आप अपने लिए कोई फायदे का सौदा भी करेंगे। धन के क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश आपको सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। पिछले कुछ वक्त से बीमारी, ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती, दुर्घटना, पारिवारिक कलह एवं कार्यों में बाधा की स्थितियां चल रही थी, तो अब वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ऑफिस में बॉस एवं अधिकारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनेंगे तो व्यापार में अथवा कार्य हेतु विदेश कंपनियों से भी आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं। अक्टूबर में पुनः परिस्थितियां आपके आर्थिक जीवन को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगी। जहां एक ओर आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे तो दूसरी ओर अपने प्रोजेक्ट और व्यापार की मंद गति से चल रही व्याकुलता खत्म होगी, क्योंकि आप जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। सिनेमा जगत, ऑटोमोबाइल, केमिकल, खाद्य पदार्थ, ई-कॉमर्स, पेट्रोलियम एवं डेकोरेशन से संबंधित हर जातक अक्टूबर में आपके लिए सफलता के द्वार खुल रहे हैं। जो योग्य डिग्री एवं काबिलियत होने के बावजूद भी घर पर विराजमान है, उन्हें शानदार तरीके से नई कंपनी में, फैक्ट्री में कार्य प्राप्त होंगे, यानी कि अक्टूबर से धन की लगातार आवक शुरू हो जाएगी। जो पहले से ही शासन प्रशासन में विराजमान होकर सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी सरकार की ओर से किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तो आर्थिक वृद्धि के बीच शुभ संयोग अक्टूबर महीने में आपको मालामाल कर सकते हैं। जिन्होंने मकान, जमीन, प्रॉपर्टी में पैसे लाभ के लिए लगाए थे, वह अब तैयार रहे, क्योंकि नए निवेशक आपकी ओर आकर्षित होने वाले हैं और अच्छे दामों पर बिक भी सकती है, जिसके कारण आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। तो 15 अक्टूबर के बाद मेष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर या फिर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव का भी योग बन रहा है। आपको पद एवं सम्माननीय कार्य प्राप्त होगा तो कंपनी की ओर से नया प्रोजेक्ट या दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी किया जा सकता है।
मेष राशि के जो युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी मुराद पूर्ण हो सकती है। शनि मार्गी का प्रभाव आपके लिए बेहद सिद्ध होगा। आप शिक्षा संबंधित परेशानियों से तो मुक्त हो गए, साथ में घर से दूर, शहर से दूर, राज्य से दूर, यहाँ तक विदेश भी पहुँच सकते हैं। तो बड़े उद्यमी एवं छोटे कारोबारियों के लिए भी सरकार से संबंधित कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे। चाहे वह लोन संबंधित कार्य हो, जमीन मकान एवं संपत्ति से जुड़ा विवाद हो, प्रोजेक्ट के मंजूरी के कार्य हो या लीज संबंधित फैसला अब आपके पक्ष में आ सकता है। संभावनाएं तो यहाँ तक बन रही है कि 23 अक्टूबर के आसपास कुछ गुपचुप किस्म के मामले व गतिविधियां एवं कुछ भेद भरे सौदे में भी आपकी संलग्नता हो सकती है। हालांकि रहस्यों को सरोकारों को जाहिर न करना ही आपकी बुद्धिमानी का काम रहेगा, वरना बात बिगड़ भी सकती है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त।